जाके केस उठा तक पड़ गया नीतीश बाबा के निकाल दिया जाके नीतीश बाबा को दला लेंगे पूरे तो दला लेंगे नीतीश बाबा का दारू पीता इतना उसके बाद नीतीश बाबा ऊपर कार्रवाई नहीं करता है मुख्यमंत्री के नाम पर कलंक है नीतीश बाबा हमारा क्या बिगाड़ लेगा बात देख हमारे उखाड़ के नहीं सकता है बिगड़ेगा पूरा पांडे बोल्ड हमेशा रहेंगे पिस्टल धरा करके और उस लड़का को तुम मर्डर करा कर फेंकवा दिए पानी में और राजनीति करता है तुमको दर्द नहीं होता है कसाई है रे जन कसाई तुम्हारे कसाई का जवाब उसी आसान है मनपुरी पर चढ़ जाता है हमको कहता है कावड़ा कावड़ी में बाबा पड़े तू बोला तक है भाषण तारा गाड़ी में तू फट करता हूँ सगरी तक तक जा गई हाँ इतनी क्राइम चरम सीमा पर पहुंच गई है जिसका कोई जवाब नहीं है। कल ही एक बहुत दुखद घटना सुनने को मिला जो तीन दिन से लापता थे सदाम जी उनकी हत्या किस तरह से तिलक में बुला करके पीट पीट करके और उनका मुंह को मार करके तालाब में फेंक दिया गया। परिवार के लोग चिल्ला रहे हैं कि कौन कौन मारा है अपराधियों का नाम रख रहे हैं लेकिन अपराधियों का राजनीतिक संरक्षण इतना ज्यादा है और विशेषकर वहां के कुछ नेताओं से भी उन लोगों का सह मिल रहा है जो उनके तरफ से खड़ा होकर के बोल रहे हैं उन्हें ही नहीं पता है कि अपराधी अपराधी होते हैं अपराधी का संरक्षण देना एक दिन अपने लिए भी बहुत बड़ा घातक होगा। हम प्रशासन से और जिला प्रशासन से ये बहुत ही अविलंब मांग करेंगे कि पहले तो उस आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और जो आदमी उस आरोपियों को सह दे रहे हैं उनके ऊपर भी दंडात्मक कार्रवाई किया जाए उनको गिरफ्तार किया जाए क्योंकि बढ़रिया पियकड़ों की समाज बना दिया गया है। वो व्यक्ति धरे समाज में अब शब्द बोल रहा है पियक्कड़ सम्मेलन करा रहा है उल्टा सीधा बोल रहा है और माननीय नीतीश कुमार जी आपकी कौन सी कमजोरी उस नेता के पास है जिसको डर से आप कुछ बोलते नहीं है। क्या अगर बिहार का कोई व्यक्ति जो शब्द बोले पियक्कड़ सम्मेलन कराने के लिए और उल्टा सीधा जिस हाथ से उन्होंने इशारा करके जो जो उन्होंने गलत आचरण प्रयोग किया मीडिया के सामने पूरा छिया लेदर हो गया बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के विषय में उन्होंने क्या क्या कहा हमें तो शर्म आती है बीजेपी के तमाम नेताओं को जिन्हें चूड़ी पहन करके घर में बैठ जाना चाहिए क्योंकि उनकी अभिभावक उनके प्रदेश अध्यक्ष के विषय में ऐसा उल्टा उल्टा शब्द एक पियक्कड़ अनाड़ी उसको क्या शब्द कहा जाए समझ में नहीं आ रहा हो तो कुछ पता नहीं है इतना अहम में चूर्ण है उसको नहीं पता है कि उसका अहम चकनाचूर हो जाएगा टूट जाएगा। जब तक लोग चुप है तब तक लोग चुप है वो नचनियागिरी जोकरई भड़वई सब छोड़ दे वो अपराधियों का संगत छोड़ दे वो कुछ लोगों को बचाने के चक्कर में सद्दाम जैसे राजद के कर्मठ कार्यकर्ताओं को हत्या करवाया और उस हत्यारों का वो पक्ष ले रहा है उस पर राजनीति कर रहा है। सुनीता देवी का कि संगीता देवी जो कुशवाहा जी की पत्नी थी उनकी बेटा का भी जब हत्या हुआ था उसमें भी वो राजनीति से कर रहा था। धिक्कार है ऐसे राजनेता पर ऐसे लोगों पर कि जो हर बात में राजनीति करता है हर बात में हिंदू मुस्लिम करता है। हम तो यही आग्रह करेंगे प्रशासन से विशेषकर एसपी साहब डीएसपी साहब और डीएम साहब सौभाग्य हम लोगों का है कि एसपी भी हम लोग बहुत तेज तरार आए हुए हैं इस बार भी सिवान में एसडीपीओ साहब भी कोई भी इधर उधर नहीं करते और एकदम अविलंब कार्रवाई करते हैं। एसडीपीओ साहब भी कड़क है और डीएम साहब तो कड़क है ही। हम तीनों आदमी से आग्रह करेंगे कि जो राजनेता इसमें अड़बड़ गड़बड़ कर रहा है उसको आप तुरंत उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करिए उसको भी गिरफ्तार अरेस्ट करिए कहीं उसकी साजिश तो नहीं चुनावी रंजिश तो नहीं क्योंकि वो लड़का राजद का करबट कर करता था और चुनाव में प्रमुख भागीदारी था। पहले लोग कहता था सिवान में हत्या होती है राजनीतिक हत्या होती है। अरे ननालेको तुम लोगों को हम किस शब्द में प्रयोग करें ये राजनीतिक हत्या नहीं हुई है सद्दाम जी की एक नेता इसमें नहीं बोल रहा है
और ना आ रहा आगे कि क्यों ऐसा हत्या हो रही है, उनके परिवार के प्रति सहानुभूति नहीं है, उनका परिवार चिल्ला कर कह रहा है तुम लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। और बीजेपी वालों, तुम लोग जैसा तो शिखंडी हमने आज तक नहीं देखा। कितना गाली सुनोगे, तुम्हारा प्रदेश अध्यक्ष गाली सुनता रहता है, एक नचनिया गाली देता है, तुम जवाब नहीं देता है। कोई कहता है कि हम प्रखंड अध्यक्ष है, कोई कहता है जिला अध्यक्ष है, कोई कहता है दुकान अध्यक्ष है, अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोग का अध्यक्षों पर। क्या राजनीति करता है तुम लोग तो एकदम राजनीति को एकदम नेस्तनाबूत कर दिया, सिवान को तो एकदम तुम लोग आतंक राज को घोषित कर दिया। एक बार भी आवाज उठाता है किसी हत्या होने पर, हत्या होने पर तुम कहता है राजद की कार्यकर्ता का हत्या हुई है। आज एक जदयू के नेता जीतू सिंह की स्टाफ का गोली मार दिया गया है। अरे तुम लोग चूड़ी पहनकर घर में बैठो बीजेपी वालों, तुम लोग सिवान का समझते थे कि सिवान के हम लोग बहुत बड़े शुभचिंतक हैं, तुम चूड़ी पहन लो घर में बैठो। और इतना याद रखो, जिस दिन हम लोग जग गए ना, अभी हम लोग इंतजार कर रहे हैं, हम लोग नहीं चाह रहे थे कि किसी से कोई बात विचार करे, हम तो राजनीति से दूर भागते जा रहे थे, तुम लोग मजबूर करके फिर हमें लगता है कि घेर कर राजनीति में लाओगे। जिस दिन हम लोग राजनीति में अगर हम फिर इन कर गए, घर से निकालना तुम लोगों को दुश्वार हो जाएगा। और बदला प्रशासन तो बदला आप लोगों से लेगी, न्यायालय से तो हम लोग आप लोगों को फांसी दिलवाएंगे, व्यक्तिगत सामाजिक तौर पर इतना जलील करेंगे तुम लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते हो। सद्दाम जी के परिवार के प्रति हमारी बहुत बड़ी सहानुभूति है, हम लोग दिल के अंदर से रो रहे हैं, हम लोग का कलेजा फट रहा है किसी के घर के किसी के व्यक्ति के साथ हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता क्यों ना हो, जदयू का ही कार्यकर्ता क्यों ना हो, या राजद का कार्यकर्ता माले किसी के कार्यकर्ता क्यों ना हो, ऐसा नौजवान युवक के साथ ऐसा कर्तव्य ऐसा कुकर्म किया गया। अरे जीसी बाबू के स्टाफ को गोली मारा गया जदयू के लोगों, तुम्हें भी चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तुम्हारा नचनिया घूमकर अब शब्द भाषा प्रयोग करता है और माननीय बड़हरिया विधायक पर आरोप लगाता है, राय नचनिया विधायक तुमको शर्म आती है कि नहीं, एक थप्पड़ मारेंगे ना तो उलट जाएगा उधर सुधर बाप बेटा तुम दोनों, ये इतना याद रखना तुम लोग, तुम समझता नहीं है तुम सब, राजनीति करता है राज का, उठाएंगे तो गलिया फफलिया हाथ लगाएंगे ना तो ऊपर उठाकर फेंक देंगे तुम्हारा बेटवा को। और तुम आकर बोलता रहता है उल्टा सीधा, किसी दिन समय देकर तुम भेंट करो, तुम इतना कच्चर कर मारेंगे ना कि तुम्हारा सब मुंह में सब तुम्हारा दारू पीना तुम्हारा निकल जाएगा। और नीतीश कुमार तुमको शर्म नहीं आता है, तेरा विधायक ऐसा दारू पीकर उल्टा सीधा बोलता है, अरे तुम्हारे पास क्या शर्म बचा हुआ है नीतीश कुमार, तुम्हारी क्या कमजोरी है, खगड़िया अली को रखा हुआ है इसीलिए क्या तुम इसके विषय में नहीं बोलता है, क्यों नहीं बोलता है, खगड़िया अला के शादी इससे करा दिया तुम, रखा था तुम शादी करा दिया इससे मदुरा से, इसलिए तुम नहीं बोलता है ना, जैसा भड़ुआ ये है वैसा भड़ुआ तुम भी हो, अगर कार्रवाई नहीं करते हो तो तुम जिला प्रशासन को अगर दबाव बनाकर बोलता तो इस तरह हत्या होती समाज में, अहंकार में डूबा रहता है तुम। देखो बिहार है, बिहार की जनता जग जाएगी ना, हम लोग जैसे पशुरामा अवतार ब्राह्मण अगर जग गया तुमको नष्टा मुस्त हम लोग कर देंगे राजनीति स्तर से जान जाओ। तुम तो इतना निर्दयी है, ना पत्नी का हुआ ना बेटा का हुआ, तुम तो किसी का नहीं है, और इस तरह तुम्हारा नचनिया बोलता है उल्टा सीधा, तुम उस पर कार्रवाई नहीं करता है, क्यों नहीं पानी से निकाला, क्या तुम्हारी कमजोरी है उसके साथ, कौन सी कमजोरी है कि तुम पानी से उसको नहीं निकाल रहा है। चलिए कुल मिलाकर हम बरहड़िया के सारी जनता से आग्रह करेंगे, हम लोग तन बंधन जब तक हम जिंदा रहेगा टूना पांडे, हम सद्दाम के परिवार के लिए लड़ते रहेंगे और इंसाफ दिलवाएंगे। हम पर भी हमला ही कराया था राय नचनिया चोटा, तुम हम पर भी हमला करवाया था, हम चुप लगा गए, हम तुमसे बदला तो लेते करेंगे, बख्शेंगे तो नहीं तुमको, लेकिन हम सोचे कि उस दिन तुम चाह रहा था कि उस दिन कुछ हम चलवा देते, हमारे पास गार्ड सब था, गोली चलवाते तो मरते पांच आदमी उसमें, और तुम सुबह कहता चूना पांडे गोली चलवा दिया, यही फायदा उठाना चाह रहा था, हम चुप लगा गए। अरे तेरा हिम्मत है करजा में तो सामने आके दिखा, तुम क्यों किसी के सहारे जिंदा रहता है, अपराधी बोलता है पांच गो दस गो उसी के सहारे तुम लोगों पर हवा मारता है, तेरे पास कितने अपराधी है रे, तुम्हारा बेटा दोनों को दो दो थप्पड़ मारेंगे, ध्यान देना तुम लोग, मुंह में से खून फेंक देगा तुम,
चोट्टा कहीं का हरामी, पियक्कल कहीं का भड़ुआ है नीतीश कुमार का ही। पांच गो अपराधी को लेकर साथे घूम करके किसी को कुछ बोल देता, जिसके घर में हत्या हुई सद्दाम जी की, उसके घर में क्या बीत रही होगी। सहानुभूति नहीं, निर्दयी निर्लज व्यक्ति सहानुभूति नहीं दे रहा है, उनके परिवार में भेंट नहीं कर उनको सहानुभूति तक नहीं जता रहा है। जिस दिन तेरे पर पड़ेगा ना नचनिया ते बूझ जाना, ते समझता है ना कि दस गो बदमाश के साथ घूमते हैं, कचर कर लाभ से तुम्हारा छाती पर चढ़कर टूना पांडे पीटेगा। तुमने हम पर भी हमला करवाया था पचरुखी, याद है हमको। उस सारा व्यक्ति का नाम याद है, सारा गाड़ी का भी याद है, सचिनवा उचिनवा चाहे जितने लोग को। हम लोग ब्राह्मण हैं, बहुत बर्दाश्त करके रखते हैं। तुम राजनीति किया था, हमारे पास दो दो तीन तीन बॉडीगार्ड थे, पिस्टल था, कार्बाइन था। अगर गोली चल गई रहती ना तो पांच दस आदमी मर गए रहते, लेकिन तुम उसमें था नहीं। तुम रहता तो हम गोली चलवा दिए रहते, लेकिन तुम तो लोगों को भेजा दिया कि टूना पांडे गोली चलवा देगा, दस आदमी मर जाएगा, तुमको सहानुभूति मिल जाएगा। रब बैकूफ, इतना हमको बुर्बक समझता है रे। जिनके पास दारू पीता था, हमारे डिपो से दारू जाता था, तू दारू पीता था रे, इतना तुम भी समझता है। और नीतीश कुमार समझ में नहीं आता है कि तुम्हारा विधायक, पूर्व विधायक पियक्कड़बाज है, दारूबाज है, तू उस पर कार्रवाई नहीं करता है। अभी जिस युवाओं में जो स्टाफ का हत्या हुआ है, कुछ बोला इसके ऊपर? सद्दाम के परिवार के विषय में सहानुभूति दिया है, बढ़िया कहे तो वो मोहम्मदम है, इसीलिए तुम नहीं बोलेगा। और पिछला बार तुम्हारा क्या शब्द तुमको बोले, क्या शब्द तुमको बोले, शब्द सब हम बंद कर रहे हैं, नहीं बोलना चाह रहे तुम्हारा जैसा बेहुद्दा आदमी के विषय में। लेकिन तुमको मारूंगा थप्पड़ से जरूर, और किसी से नहीं मारूंगा। तुम पहले हमको किसी दिन मिल जाए अकेले में, और तुम्हारा बेटा, तुम जिस तरह सद्दाम के परिवार के साथ निर्दयता पूर्वक बात कर रहा है ना, सब तुमको निकाल देंगे शाम बहादुर, कचर कर मारेगा। तुम जिंदगी में जन्म लेना भूल जाएगा कि किसी ब्राह्मण के औलाद से हमने पंगा लिया, तुम हम पर हमला कराया था, हम उस हमला का बदला तुमसे लेंगे, चिंता तुम मत करो। और सद्दाम के परिवार को भगवान सहानुभूति दे, भगवान उन लोगों को ताकत दे, ईश्वर अल्लाह ताकत दे, वो लोग बर्दाश्त करें इस विपत्ति की घड़ी को। और सारा बड़हरिया की जनता एकजुट हो, और इस पियक्कड़ बेहुद्दा को, खदेड़े बड़हरिया से, इसको कितना घमंड है, पियक्कड़ रंडीबाज धोखेबाज नीतीश कुमार का भड़ुआ, इसकी कितनी ताकत है। आप लोग भेजिए बड़हरिया से, हटाइए इसको जल्दी से, चैट करके संभद्रा को। नहीं बोलने पर मुड़ी पर चढ़ जाता ही, हमको कहता है कामना कॉलेज में बाबा पढ़ ले, खूब बोलता रहे, धासम तारा गाड़ी में दो फट में तार सगरी ना टूट जाई, बुझा गए ना। हमारे वीडियो सेव करियो, जाके केस मुकदमा करिया, नीतीशवा के दिखा दिया जाके, क्यों नीतीशवा का दलाल है ना तू रे, तू तो दलाल है नीतीशवा का, दारू पीता है इतना, उसके बाद नीतीशवा तुम पर कार्रवाई नहीं करता है, मुख्यमंत्री के नाम पर कलंक है नीतीशवा, हमारा क्या बिगाड़ लेगा, बात तो एक हमारे उखाड़िए नहीं सकता है, बिगाड़ेगा क्या रे। टूना पांडे बोल्ड हमेशा रहेंगे, इसका ध्यान रखना, हम जवाब तुमको देंगे। हम राजनीति नहीं करना चाह रहे थे, तुम्हारे बोली के चलते हम राजनीति करेंगे। तुम पियक्कड़ सम्मेलन कराता है और पिस्टल धरा करके, और उस बेचारा लड़का को तुम मर्डर कराकर फेंकवा दिया पानी में, और राजनीति करता है रे, तुमको दर्द नहीं होता है रे, तुम तो कसाई है रे। चल कसाई, तुम्हारे कसाई का तुम्हारे जवाब उसी भाषा में हम देंगे। चलिए सिवान की सारी जनता से हम हाथ जोड़कर आग्रह करते हैं कि इस कसाई दलाल भड़ुआ श्याम बहादुरा को किसी तरह से आप लोग जवाब दीजिए, जहां जाता है ललकारिए इसको, इसको शर्म नहीं है थोड़ा सा भी, इसको शर्म आएगा। चलिए जय हिंद, जय प्रणाम, जय परशुराम, जय श्री